वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुकेशन हब। डियर स्टूडेंट, अभी हमारा एक सीरीज चल रही है, ये सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री का चल रहा है, 12th क्लास का आप जो देख रहे हैं, उसमें चैप्टर है आपका थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, यानी कि जो यात्री थे उनके नजरिए हम देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से हिस्ट्री लिखी है, सोशल लाइफ के बारे में लिखा है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा है। तो उनमें हमने आपको पहली जो वीडियो थी उसमें बताया कि तीन पर हमें मेन फोकस रखना है। एक हमारा है अलबरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और दूसरा इब्न बतूता, और तीसरा क्या फ्रांसवा बर्नियर। तो आज हम अलबरूनी जी के बारे में पढ़ेंगे और विशेष रूप से इनका डीप टू टॉप जो भी आपका इसमें नॉलेज है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप द्वारा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़िएगा। पहला है इसमें आपका टॉपिक है आपका अलबरूनी के बारे में। सबसे पहले हम अलबरूनी जी के बारे में जानते हैं कि अलबरूनी है कौन, था क्या, वो क्या करता था, किस प्रकार से उन्होंने भारत के बारे में लिखा, और भारत के बारे में जो सोशल लाइफ है या उनकी ज्योग्राफी है या उनके जो मैथमेटिक्स है या संस्कृत के जो वर्क्स हैं उसके बारे में कैसे जानना, तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कभी कभी इसमें से MCQs क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी अलबरूनी के बारे में वैसे भी लिखने के लिए आपके बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, जो PYQs है उसमें आप देख लेंगे। पहले आप देखिएगा, सबसे पहले अलबरूनी एंड द किताबुल हिंद, इनके द्वारा जो लिखी हुई जो आपका टेक्स्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है किताबुल हिंद। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है आपका, यहां बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब के बारे में खूब पूछा जाता है, किसने लिखी है, हु रोट द किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसने लिखी है, तो ये इसमें पूछा जाता है आपका। तो जब भी आप इसमें ऑप्शन के आ जाएंगे, अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर या एक और राइटर का नाम दे दिया जाएगा, तो उसमें आप चूज कर सकते हैं किताबुल हिंद अलबरूनी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 973 में इसका जो जन्म हुआ था, और कहां पर हुआ था, उसका प्लेस था आपका ख्वारिज्म, जो आज की डेट में प्रेजेंट डे में कहां है बेटा, उज्बेकिस्तान में है। कहां पर है, उज्बेकिस्तान एक कंट्री है आज की डेट में, वहां पर ख्वारिज्म एक प्लेस था जो आज की डेट में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सब कॉन्टिनेंट, ये कब, हमने कहा था इन कॉन्टिनेंट में, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने कब विजिट किया था, लगभग इन्होंने 11th सेंचुरी में, यहाँ पे सी का मतलब मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग ये 11th सेंचुरी में इन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट में विजिट किया था। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेज जानते थे, पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। ये कौन कौन सी लैंग्वेज, ये ऐसे स्कॉलर्स थे जो सोलर्स थे हमारे कि जो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, जैसे हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय थे, वो भी बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, इसी प्रकार से ये भी बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारे जो जो ग्रंथ हैं उनको इनको नॉलेज था। अब क्यों नॉलेज था, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत सारी जानते थे। पहले मैंने इसमें एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, वो आपका इस्पास, ये अगर आपको पूछा जाता है कौन कौन सी वो लैंग्वेज जानते थे, आपको याद करने में भी आसान होगा। इस्पास S4 क्या है आपका, संस्कृत, संस्कृत की लैंग्वेज को इनको पूरी नॉलेज थी, इनमें पूरा दक्ष थे वो पूरा का पूरा। फिर इसमें पर्शियन में भी इनको पूरा नॉलेज थी, पूरा लैंग्वेज जानते थे, अरेबिक तो ये जानते ही जानते थे, और ये टेक्स्ट भी आपका अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दूसरा है सीरियाई लैंग्वेज भी जानते थे और हिब्रू लैंग्वेज भी जानते थे। तो ये आपका 1 2 3 4 5 लैंग्वेज है, इसमें इनको बहुत महारत हासिल थी, यानी कि पूर्ण कमांड था इनका आपका। दूसरा जॉन सी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप ये नहीं जानते तो उसको बोलते थे ग्रीक लैंग्वेज, लेकिन फिर भी इन्होंने जो ग्रीक जो सोलर्स थे, जो विद्वान थे, उनकी जो उनके बारे में इनको पूरी नॉलेज थी। क्यों नॉलेज थी, इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। जैसे क्या थे ग्रीक सोलर्स थे, प्लूटो था, प्लूटो बहुत आपने देखा होगा, सुकरात है, प्लूटो है, और जो अदर ग्रीक फिलोसफर्स हैं उनके बारे में भी इनको नॉलेज थी। क्यों नॉलेज थी, क्योंकि ये जो पहले से ही ये जो टेक्स्ट है इसकी बात कर रहा हूं, ग्रीक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन पहले ही अरेबिक में हो चुका था, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज इनको आती थी, और ये जो ग्रीक टेक्स्ट था, जो ग्रीक टेक्स्ट था उसका ट्रांसलेशन पहले अरेबिक में हो गया था। तो इन्होंने जो ग्रीक के बारे में जो नॉलेज इकट्ठा करी वो किस प्रकार से की, पहले जो अरेबिक वाला जो टेक्स्ट ट्रांसलेटेड था उसको पढ़ा, उसके बारे में इसके बारे में इन्होंने नॉलेज इकट्ठा की। इनकी डेथ जो है वो कहां लगभग हुई आपकी, गजनी में हुई, क्योंकि ये गजनी में चले गए थे, और लगभग 70 years में हुई थी, जो आपको अगर से कैलकुलेट करेंगे, अगर इसमें आप ऐड करते हैं 973 प्लस 70 तो लगभग ये आपका हो जाता है 1043 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। अब इसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से भारत के बारे में इनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, किस प्रकार के इन्होंने टेक्स्ट लिखे, कहाँ से नॉलेज ली और किसके लिए इन्होंने लिखा, ये सारी चीजें हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। आगे देखते हैं,
मैं ख्वारिज्म की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ख्वारिज्म की। ये ख्वारिज्म में पैदा हुए थे, तो वहां पर एक महमूद थे, महमूद गजनवी, जो गजनी के शासक थे, सुल्तान थे। उन्होंने 1017 CE में वहां पर आक्रमण किया, और वहां आक्रमण के साथ साथ में उन्होंने पूरा गजनी, ये जो है आपका ख्वारिज्म को जीत लिया। और जीतने के साथ साथ में वहां पर जो विद्वान थे, सोलर्स थे, और पोएट जो कवि थे, उनको बंदी बना करके अपने साथ वो कैपिटल, यानी कि जो गजनी था, गजनी कैपिटल में वो ले आया। डियर स्टूडेंट, आप बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बाद में जब आप नहीं देखेंगे, जब आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे बुक से, तो आपको आसानी होगी, तो बीच बीच में आप जो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर अब जो है उसका इंटरेस्ट कैसे जाएगा। अब हमने कहा कि जब वो गजनी चले गए, उनको कैप्चर कर होस्टेज कर उनको गजनी ले गए महमूद, जो सुल्तान थे, ठीक है ना, गजनी के, गजनी उस समय कैपिटल थी, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। वो धीरे धीरे जो उनका इंटरेस्ट था गजनी में, जो गजनी में उनका मन लगने लगा, गजनी में उनका इंटरेस्ट जो डेवलप हो गया, और वो वहीं पे बस गए। उसके बाद क्या था, भारत के बारे में उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, भारत के बारे में उन्होंने कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, he developed the interest in India due to the translated works of Sanskrit into the Arabic as on। अभी ये क्या बोलता है, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड द मेडिसिन। अभी ये बोलते हैं कि धीरे धीरे, अभी क्या था, अरेबिक में जो 8th century की बात करते हैं, 8th century से ही अरेबियन लैंग्वेज वाले लोग जो थे, विद्वान जो थे, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखे हुए थे, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान बोलते हैं, मैथमेटिक्स जो संस्कृत में लिखा हुआ था उसके बारे, मैथमेटिक्स के बारे में, और मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में जो लिखा हुआ था संस्कृत में, उसको उन्होंने 8th century से ही अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से उन्होंने अरेबिक वो जानते ही थे, अरेबिक लैंग्वेज वो ऑलरेडी जानते ही थे, तो इसकी वजह से इनका क्या था, इंटरेस्ट जो है उसमें जगह कि भारत में तो यार बहुत कुछ है, हमें देख लेना चाहिए, भारत को जरूर जानना चाहिए, तो भारत के बारे में इनकी जिज्ञासा कुछ बड़ी। तो इसके लिए क्या, हिज ट्रेवलिंग अकाउंट इज नॉट क्लियर। लेकिन एक बात बताएं, जो उनका ट्रेवलिंग अकाउंट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी ये दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि उन्होंने भारत में पंजाब और नॉर्थ पार्ट का बहुत ज्यादा उन्होंने किया था। अभी इससे आगे का एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं, अभी इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, एक मिनट के लिए आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे का पॉइंट आप लेंगे। पहले कहा था इसका, अल बरूनी बॉर्न इन 970 CE, कहां पर हुआ था उनका जन्म, ख्वारिज्म में, जो आज की डेट में उज्बेकिस्तान में है। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट का विजिट कर किया, 11th century में किया। वो कौन कौन सी लैंग्वेज जानते थे, अकॉर्डिंग टू योर NCERT दिया हुआ है, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, सीरियाई और आपका हिब्रू लैंग्वेज दिया। जो लैंग्वेज नहीं जानते थे उसको ग्रीक बोला गया, लेकिन ग्रीक में भी उनको, ग्रीक के जो वहां के जो विद्वान थे और दूसरे जो उनके जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उनके बारे में नॉलेज थी, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन अरेबिक में हो चुका था, अरेबिक वो जानते थे। उनकी डेथ लगभग गजनी में 70 years के लगभग 1043 CE में हुई थी, जो गजनी में थे। अब वो गजनी पहुंचे कैसे, क्योंकि जंग तो ख्वारिज्म में हुआ था, महमूद जो सुल्तान थे उन्होंने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। जीतने के बाद में वहां पर जो वहां के विद्वान थे और जो पोएट थे उन्हें होस्टेज बनाया, होस्टेज बनाकर वो अपनी कैपिटल कहां ले गए, गजनी ले गए। गजनी में धीरे धीरे उनका मन लगने लगा, और जो उसके बाद जो था इंडिया के बारे में जो उनका इंटरेस्ट जगा, वो कैसे जगा, वो जगा क्योंकि 8th century से ही जो अरेबियंस थे उन्होंने जो है संस्कृत का ट्रांसलेशन, अरेब संस्कृत जितने भी टेक्स्ट थे जिसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र के बारे में, मैथमेटिक्स गणित के बारे में, मेडिसिन और जो आपका मेडिसिन के बारे में जो ट्रांसलेट किया हुआ था उसको पढ़कर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जगा। हालांकि उनका जो भी ट्रेवलिंग अकाउंट था, जो यात्रा वर्तांत था, वो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी इससे ये प्रतीत होता है कि जो उनका यात्रा वर्तांत जो अकाउंट हमें मिला है कि उससे उन्होंने पंजाब और भारत का जो नॉर्थ पार्ट है उसकी उन्होंने काफी किया था। हमने कहा था कि आपको जो है उसका एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जो जो हमारे यहाँ पे जो सबकॉन्टिनेंट के बारे में जो नॉलेज देता है वो काफी हमें एक इतिहास के बारे में काफी रुचिकर बनाता है। अब उसके द्वारा जो बुक्स ट्रांसलेटेड की गई हैं वो थोड़ा सा हम मैं देख लेते हैं। यहाँ पे इसके साइड में दिया होगा आपके ट्रांसलेटेड बुक, सेवरल
संस्कृत बुक्स, यानी कि उसने बहुत सारी संस्कृत बुकों को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड किया था। इसमें एक आपका दिया गया है जैसे पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर। पतंजलि की बात करते, एक महर्षि थे, आपके विद्वान थे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, भारत के पतंजलि का नाम से आप जानते भी होंगे। तो उन्होंने ग्रामर पर एक बुक लिखी थी, उसका उन्होंने किसमें अरेबिक में ट्रांसलेशन किया था, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के हिसाब से भी कि हु ट्रांसलेटेड द पतंजलि's वर्क्स ऑफ ग्रामर। इसमें आपका आ जाएगा, अगर आपके चार ऑप्शन उसमें दे दिए गए हैं तो उसमें आपका आ जाएगा कि किसने किया था, अलबरूनी ने किया था। दूसरा क्या था, उसने अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए, उनके ब्राह्मण मित्र भी थे, उनके बहुत सारे ब्राह्मण मित्र थे, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इसके लिए कैसे ब्राह्मण मित्र थे वहां पर, सेवरल संस्कृत वर्क्स तो इन्होंने किया। दूसरा था यूक्लिड वर्क, यूक्लिड कहां के थे, ग्रीक के थे, कहां के थे, वो ग्रीक के थे, ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने बहुत सारे यूक्लिड, यूक्लिड ज्योमेट्री भी दिया, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो उनका भी जो काम था वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक के लैंग्वेज तो वो जानते नहीं थे, लेकिन ग्रीक का पहले से ही वो अरेबिक में ट्रांसलेशन हो चुका था, तो अरेबिक उन्होंने पढ़ी थी, तो उन्होंने अपने जो आपके उनके जो ब्राह्मण मित्र थे उनके लिए उन्होंने जो मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट था जो ग्रीक में लिखा हुआ था, जो अरेबिक में कन्वर्ट था, ट्रांसलेटेड था, उसको उन्होंने संस्कृत में किया ताकि जो उनके ब्राह्मण मित्र थे उनको वो पढ़ सके। बिकॉज अब वो क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। जब महमूद ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया तो वो टेरिटरी भी उसके अंडर में आ गई, तो अब वो टेरिटरी जो जब वो बंधक थे ही पहले से, वो उसके वहां पे 1017 में वो चले गए थे, गजनी में चले गए थे, तो वहां पर उन्होंने जब विजिट किया, अभी हमने पहले बताया था, इससे पहले बार थोड़ा एक मिनट पहले बताया था आपको कि उनका पंजाब और नॉर्थ इंडिया में काफी उन्होंने भ्रमण किया था, यानी काफी ट्रेवलिंग की थी, तभी उन्होंने अपना अकाउंट लिखे थे। तब वो वहां पर गए तो वहां पर वहां के लोगों से जब वो मिले तो वहां के लोगों से उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बनी, उनका आपस में संबंध भी बने, उनका विश्वास भी हुआ, तो इस प्रकार से वहां पर बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद जो वहां पर देखिएगा, because spend many years in the company of the Brahmins, क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो साल हैं जो ब्राह्मण और जो भारतीय जो स्कॉलर विद्वान थे जो उनके बीच में उन्होंने बहुत सारा समय या बहुत सारे समय या साल बिताई थी, इसलिए उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा था, संस्कृत लैंग्वेज सीखी थी, उन्होंने यहाँ पर जो है धर्म के बारे में पढ़ा और वहां के जो दार्शनिक जो विचार थे, फिलोसॉफिकल जो उनके जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में भी उनसे पढ़ा था। जब उनसे पढ़ा था तो उनसे फ्रेंडशिप हो जानी थी, तो इसलिए उनके लिए भी उन्होंने कुछ किया, तो इसी प्रकार से ये रहा। दूसरा क्या था, उनकी जो लिटरेचर थी मोस्टली क्या थी, कहाँ से कहाँ तक थी, क्यों क्लियर नहीं थी, हमने आपको बता रहे, क्योंकि उनका जो नॉर्थ में सारा डेजर्ट और वेस्ट में द वोल्गा रिवर्स, दो रिवर ऑफ वोल्गा, वोल्गा रिवर जो रशिया की एक दो लार्जेस्ट कॉमर्शियल रिवर है, बहुत लंबी है, तो उसके बारे में वहां से वहां तक उनका जो आपका टैक्स मिलता है, इसीलिए इसीलिए भारत में 1500 CE तक भारत में अलबरूनी की किताब जो है किताबुल हिंद को ज्यादा नहीं पढ़ा गया था, क्योंकि इससे भी पहले बहुत सारे ट्रेवलर्स ऐसा, जो बाहर के ट्रेवलर्स ऐसा कर चुके थे, तो पहले उनकी पढ़ी गई होगी, बाद में इनका पढ़ा गया होगा, यानी कि उस समय यहाँ पर जो था, अगर हम बात करते हैं अरेबिक कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जो अरब वाले जो एरिया की बात करते हैं, वहां पर जो था ये जो आपका ट्रेवलिंग अकाउंट क्या था, एक प्रकार से उनके लिटरेचर का एक एक्सेप्टेड पार्ट था। एक्सेप्टेड पार्ट का मतलब है कि मान्य पार्ट था, यानी कि वहां साहित्य का एक मान पढ़ता। अभी जो हम इनकी जो बुक्स हैं किताबुल हिंद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आते हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ में जो डिटेल्स में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें हम आपको इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। अब किताबुल हिंद के बारे में आप देखेंगे, अभी हम किताबुल हिंद के बारे में पढ़ते हैं इसको डिटेल्स में, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की कंपटीशंस में जो है उनके चैप्टर्स भी पूछे जा रहे हैं, कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, उसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से मानते हुए आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आराम से देखेंगे।
नेक्स्ट है किताबुल हिंद, इनकी सबसे फेमस बुक है किताबुल हिंद, जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, हिंदुस्तान किसने कहा, ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में जरूर बनते हैं। अभी पहले हम इसकी किताब के बारे में पढ़ रहे थे, किताबुल हिंद यानी कि हिंद के बारे में। सबसे पहले लैंग्वेज देखते हैं इसकी, इसकी लैंग्वेज क्या है आपका, ये लैंग्वेज में लिखी गई है, इसकी जो ओरिजिनल है वो लिखा हुआ है आपके अरेबिक लैंग्वेज में, और बहुत सिंपल है, आसान तरीके से लिखा हुआ है, और जो है उसको आराम से आप समझ सकते हैं। सिंपल एंड लूसिड, लूसिड का मतलब होता है क्लियर है एकदम, क्या है आपको क्लियर प्लस सिंपल वे में लिखा हुआ, यानी कि आम आदमी उसको आसानी से पढ़ सकता है। अब ये वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, इसका दूसरा हेडिंग क्या लेते हैं, इसका वॉल्यूमिनस टेक्स्ट, अगर आप जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इस प्रकार से आप उसके हेडिंग डाल लेंगे, तो इसका क्या है, ये वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, यानी कि काफी बड़ा टेक्स्ट है, ग्रंथ है, जो 80 चैप्टर में है, 80 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। और इसके एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट कौन कौन से, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से इन्वॉल्व है, देखिए सबसे पहले इसमें धर्म के बारे में लिखा हुआ है, रिलीजन के बारे में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन टॉपिक, आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो और सिंपल वे में आप आंसर दे पाएंगे, इसको लर्निंग कैपेसिटी आपकी और बढ़ जाएगी, और काफी लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं, ऑलवेज इसको याद रखा जा सकता है, इसे टेक्नोलॉजी के साथ में इसे याद करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ में याद करने का मतलब है कि इसको जो आप जो है हेडिंग्स में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे बच्चों, हेडिंग्स में बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट एक्सप्लेन कौन कौन से थे, पहला रिलीजन था, दूसरा क्या है इसमें फिलोसफी है, दार्शनिकवाद भी दिया, फेस्टिवल्स के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं किताबुल हिंद की, ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के बारे में लिखा, अल्केमी, अल्केमी का मतलब है केमिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, रस विज्ञान बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रस विज्ञान, तो ठीक है केमिकल्स के बारे में लिखा है इसमें, अल्केमी है यानी कि वो रस विज्ञान का भी, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि क्या अलबरूनी एल्केमी के बारे में यानी कि रस विज्ञान के ज्ञाता थे, हाँ थे, वो रस विज्ञान के भी ज्ञाता थे, केमिकल्स की उसको नॉलेज थी, मैनर्स क्या था, मैनर्स जो ढंग के तरीके थे, कस्टम्स है हमारे, रीति रिवाज है, मैथमेटिक्स के बारे में, ये मैथमेटिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि क्या, एक बार क्वेश्चन आप देख ले यूपी पीजीटी या अदर कॉम्पिटिशंस में भी आप देख सकते हैं, पीवाईक्यू है कि क्या अलबरूनी को ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज थी, हाँ थी, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज थी, मैंने कहा ना वो भारतीय विद्वानों और भारतीय पंडितों के साथ भी रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, और बाकी उन्होंने पढ़ने का उन्हें काफी शौक था, तो काफी सभी लैंग्वेजेस में उन्होंने लगभग पढ़ लिया था जो अरेबिक में ट्रांसलेशन थी, बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत सारी वो जानते थे, जिससे वो आराम से जो उनका अडॉप्शन कर सकते थे, कंपेरिजन कर सकते थे। इसमें क्या है सोशल लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा, सामाजिक जीवन कैसा था, यानी कि जो समाज का और वर्ग था, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है, उनकी जीवन शैली के बारे में भी उन्होंने लिखा है। वेट एंड मीजर्स, वेट एंड मीजर तो आप समझते ही है, ठीक है, वेट तो आपका वजन हो गया, मीजर्स का मतलब मापतोल है, और मापतोल में उन्होंने एक मेट्रोलॉजी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या है, एक साइंस ऑफ द मेजरमेंट है, यानी कि मापने की एक साइंस है, उसे मेट्रोलॉजी के बारे में भी उन्होंने लिखा, हर जहां जहां वो गए वहां पे लिखा कि यहां पर किस प्रकार से मापन किया जाता था वेट को भी, आइकोनोग्राफी यानी कि जो उसमें चित्रण के बारे में, मूर्ति कला के बारे में भी लिखा है, और कानून व्यवस्था के लॉज के बारे में भी उन्होंने लिखा है। और दूसरी चीज, ये जो किताबुल हिंद है इसको लिखने की शैली एक अजीब शैली थी, मैं दूसरों से डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर था उसका यूज था जो उन्होंने यूज किया। पहला क्या था, जब उनका लिखने का, जब भी वो किसी के बारे में लिखते थे सबसे पहले क्या करते थे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, क्या करते थे वे, क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते थे वो, यानी कि क्वेश्चन पुट अप करते थे, माने कि समाज के बारे में, क्या समाज में यहाँ पे, या किसी भी चीज के बारे में अगर वो लिखते थे तो पहले क्वेश्चन पुट अप करते थे, और क्वेश्चन पुट अप करने के बाद जब उसका डिस्क्रिप्शन करते थे, उसका वर्णन करते थे, तो वो किस बेस पर करते थे, संस्कृत ट्रेडिशन पर, यानी कि जो भारत में क्या था पहले, संस्कृत ट्रेडिशन था, संस्कृत परंपरा थी, उसके बेस पर उसका वर्णन करते थे, उसके बाद में क्या था कंक्लूजन जो करते थे, जो उसका लिखते थे बाद में सार क्या था, वो कंपैरिजन करते थे उसका दूसरे कल्चर से, जो संस्कृत ट्रेडिशन था, जो संस्कृत कल्चर था, उसके बेस पर तो वो क्या करते थे बेटा, उसका एक्सप्लेनेशन करते थे, क्वेश्चन से वो स्टार्टिंग करते थे, और कंक्लूजन कैसे लिखते थे, और वो दूसरों से कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करेंगे तभी वो कंक्लूजन निकलेगा। अभी एक ही चीज को आप देख रहे हैं, जैसे कहावत है कि दो बच्चे भाग रहे थे, एक बच्चे ने कहा कि मम्मी मम्मी मैं जो सेकंड आया, बोला सेकंड आया, बोला हाँ बेटा, बोला बहुत अच्छी बात है सेकंड आया,
बहुत अच्छी बोला। फिर किसी उसके पापा ने पूछा बेटा कितने बच्चे थे, बोला दो ही थे, बोला ठीक है। जब कंपैरिजन करा तो तभी तो पता चला कि कौन सा अच्छा है, कितना अच्छा है, कैसे अच्छा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको पता चला। अभी हम आगे इसमें जो भी देखेंगे आप बिल्कुल नोट करते जाएंगे उसको अच्छे से, कंपैरिजन विद द अदर्स कल्चर के बाद। अभी हमने देखा किताबुल हिंद कितने चैप्टर में, 80 चैप्टर में स्टार्ट थी और वो अरेबिक में बनाई हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जो उन्होंने अभी जो टेक्स्ट लिखा था उसमें बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व थे, और इन्वॉल्व होने के साथ साथ में क्योंकि वो संस्कृत को भी जानते थे, संस्कृत का वो अरेबिक में अनुवाद भी करना जानते थे, उसको ट्रांसलेट भी करना चाहते थे, और दूसरी क्या था उसके साथ साथ में पाली की बात करें, प्राकृत लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी करते थे। अभी वहां पर हमने कहा था कि हिंदू के बारे में कैसे उन्होंने जाना, हिंदू बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है इसमें, हिंदू के बारे में आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, एमसीक्यू जरूर आता है, इसको थोड़ा ध्यान कर लेना, हो सकता है आपके भी आ जाए, क्योंकि हर किताब से जितना भी आपके 3 पार्ट है इसकी उसमें 7-7 एमसीक्यू जा रहे हैं, तो इन 3 जो राइटर्स हैं इनकी जो किताबें इनसे एमसीक्यू जरूर आता है, इसको ध्यान देखिएगा। हिंदू शब्द के बारे में हम बात करते हैं, हिंदू हिंदू शब्द की बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं मार्कर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा द टर्म हिंदू वाज ड्राइव्ड ओल्ड पर्शियन वर्ड, ये सबसे जो प्राचीन जो पर्शियन वर्ड है उससे ये मिला है हमें हिंदू शब्द, जो यूज होता था 6th to 5th century BCE बिफोर कॉमन इरा। ये क्या है, ये इस वर्ड को क्या किस नाम से, मतलब वो किस चीज से ड्राइव करते थे, वो क्या समझते थे, रेफर्स ईच पार्ट ऑफ द सिंधु, ईस्ट पार्ट ऑफ सिंधु का मतलब क्या है, जो सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर के ईस्ट भाग को जो ईस्ट पार्ट है उसके लिए यूज करते थे हिंदू सब। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, थोड़ा सा अपने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके आप देख सकते हैं इसमें अरब। अब इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद में क्या अरब, अरब ने इसी शब्द को कंटिन्यू रखा, हिंदू बोला उसने भी है, उसको क्या बोल दिया उसके स्थान को अरब वालों ने, क्या बोला अल हिंद बोल दिया, क्या बोल दिया अल हिंद, और वहां के लोगों को क्या बोला इन्होंने हिंदी, क्या बोला वहां के लोगों को क्या बोला हिंदी, क्योंकि वो इंडस के ईस्ट में रहने वाले पार्ट थे, जो पर्शियन जो वर्ड था उसका मतलब हमने कहा था ईस्ट पार्ट ऑफ द सिंधु, उन्हीं को इन्होंने कंटिन्यू रखा और वहां के प्लेस को इन्होंने क्या बोला अल हिंद बोला, और लोगों को क्या बोला उन्हें हिंदी बोला। अब तुर्कों की बात आती है, देखिए पहले क्या पर्शियन हो गए, फिर जो अरेबिक आपका तुर्क वाले की बात करते हैं, तुर्क ने तुर्क वालों ने उन्हें क्या बोला हिंदू, उसके जो प्लेस को ईस्ट रीजन ऑफ द इंडस यानी कि इंडस रिवर के ईस्ट पार्ट के रीजन को क्या बोला उन्होंने हिंदू बोला, और वहां पर जो है वहां पर क्या बोला फिर उस प्लेस को क्या बोला हिंदुस्तान, क्या बोला हिंदुस्तान, और जो वो लैंग्वेज यूज करते थे उनको क्या बोला उन्होंने हिंदवी, क्या बोला उन्होंने हिंदवी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नन ऑफ दीज एक्सप्रेशन, अभी यहाँ पर सारी जो चीजें बताई गई है यहाँ पर जो एक्सप्रेशन किया गया है यहाँ पर कोई भी ये इंडिकेट नहीं करता कि वहां पर जो पहले जो ये हिंदू की यानी कि जो वर्ड यूज किया गया है किसी धर्म से है। None of these explanation indicated any type of the religious identity. इसका मतलब है कि यहाँ पर आप इन चीजों को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू शब्द है वो किसी प्रकार की religious identity पहले नहीं था। अभी इसके जो है किताबुल हिंद के अभी हम क्या देखते हैं मैन ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये 3 मार्क्स में 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द मैन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द किताबुल हिंद ऑफ अल बरूनी, ये आपके क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके 3 पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसमें मैन ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या मैन ऑब्जेक्टिव है, द 3 मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अल बरूनी टेक्स्ट के क्या क्या है इसमें हम थोड़ा सा नोट करेंगे। पहला है अल-बरूनी ने जो अपनी किताब लिखी उनके पर्पस ऑब्जेक्टिव बोले या पर्पस बोले बात एक ही है, पहला पर्पस है इनका या ऑब्जेक्टिव है ए हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम का मतलब हिंदू, यानी कि ये उनके लिए हेल्पफुल थी ये किताब, इन्होंने जो अपना टेक्स्ट लिखा ग्रंथ लिखा ये उनके लिए हेल्पफुल थी, जो हिंदुओं से उनके उनके हिंदुओं के बारे में धार्मिक क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते थे या हिंदुओं के बारे में जो उनका धर्म था उनके बारे में क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते थे डिस्कस करना चाहते थे, अगर वो इस किताब को पढ़ते तो उनको इसके पूरे आंसर इसमें आराम से मिल जाते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल थी। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ए कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इसका बुक था मैंने कहा ना बहुत वॉल्यूमिनस था, वॉल्यूमिनस का मतलब क्या था बहुत विशाल ग्रंथ था,
तो इन्होंने कहा एक कलेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, उसमें यानी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अभी हमने कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने लिखा है, तो एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन था टू दोज हु वांट टू एसोसिएट रिलेट टू द हिंदूज, यानी कि जो हिंदू से संबंध रखना चाहते थे, उनसे रिलेशन रखना चाहते थे, उनके बारे में या उनके बारे में जानना चाहते थे, उनके बारे में एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन था, यानी कि जो सूचनाएं थी उनका एक कलेक्शन था, एक संग्रह था। थर्ड है इसका हिज वर्क फॉर द पीपल्स लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स द सबकॉन्टिनेंट, जो इन्होंने अपनी किताबें लिखी, उन्होंने अपना काम किया, जो उन्होंने अपना टेक्स्ट लिखा, वो किसके लिए था, जो मोस्टली जो सीमा पर रहते थे, फ्रंटियर्स में रहते थे, किसकी, जो इस सबकॉन्टिनेंट की, बिकॉज ही वॉज फेमिलियर विद द ट्रांस, क्या था वो, ट्रांसलेशन एंड द एडॉप्शन ऑफ द संस्कृत पाली एंड द प्राकृत टेक्स्ट इनटू द अरबी, यानी कि देखिएगा हमने कहा कि वो लोग अरबी अरब वाले लोग थे जिन्होंने यहाँ पर जो राज किया था या उन्होंने इन्वेंट किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था, तो जो वहां पर जो उनके जो लोग रह रहे थे, ताकि उनके लोगों के भाई राज कहीं पे करना है तो आपको उनकी संस्कृति जाननी पड़ेगी, उनकी लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ेगा, उनके कल्चर ट्रेडिशन सबके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तो उन्होंने उनके लिए लिखा जो वहां पर फ्रंटियर में उन्हीं सीमाओं में रह रहे थे, ताकि वो वहां के लोगों पर राज कर सके, अपने मतलब अपने देश के लोगों के लिए लिखा उन्होंने एक तरीके से। क्यों लिखा, क्योंकि वो पूरा संस्कृत पाली और प्राकृत टेक्स्ट का रूपांतरण एडॉप्शन और ट्रांसलेशन कर सकता था, कहां पर, अरेबिक में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज बच्चों जो हमने पढ़ा है, ये आपका किताबुल हिंद इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जो अलबरूनी के बारे में कहां उसने जन्म लिया, खारिज में जन्म लिया, वो किस प्रकार से फिर जो गजनी पहुंचा एज ए होस्टेज पहुंचा, इसके बाद जो है उन्होंने अपनी बुक लिखी, फिर वो जो है उनके जो उन्होंने बहुत सारी जो मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में लिखी, फिर अपने जो है जो ब्राह्मण मित्र थे उनके लिए उन्होंने बुक लिखी, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, एक बार थोड़ा टेक्स्ट बुक को जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल टेक्स्ट बुक के अनुसार इसका एक्सप्लेनेशन किया है। अपनी तरफ से मैंने काफी कोशिश की है, जो जहां जहां मैंने क्वेश्चंस बताए वो आपके बहुत महत्वपूर्ण है, और इनसे भी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, और ये आपके 3 पॉइंट में ऑब्जेक्टिव जरूर आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तो आपका जो है क्वेश्चन फिर अधूरा रहता है। डियर स्टूडेंट, आपको अगर मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप और रिफॉर्म कराना है, कोई इसमें अमेंडमेंट कराना है, तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए राइट डे।